दोस्तों, दुनिया में टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है और कई देशों में एडवांस रोबोट से भी काम लिया जाने लगा है। और इसके पीछे का कारण यह है कि वे मनुष्य के काम को आसान करने के साथ साथ बड़े से बड़ा काम भी चुटकियों में कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक तरफ कुछ लोग यह सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जात के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह इंसान की तरक्की में एक अहम रोल अदा करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन बातों पर विचार करने से पहले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को कुछ इस तरह से प्रोग्राम करने का प्रयास किया जाता है कि वह मनुष्य के दिमाग की तरह काम कर सके, और अगर आसान भाषा में कहें तो वह खुद ही सोच समझकर डिसीजन ले सके। लेकिन दोस्तों, AI को भी मुख्य रूप से तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला वीक AI, दूसरा स्ट्रॉन्ग AI और तीसरा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और दोस्तों, अभी तक जो आम तौर पर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी यूज होते हुए आई है वह वीक और स्ट्रॉन्ग AI के अंतर्गत आती है। और इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जात के लिए वैसे तो कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि यह अपने दिमाग से कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, और मनुष्य जिस तरह से उन्हें प्रोग्राम करके डिजाइन करता है बस वह उतना काम करने में ही सक्षम होते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें ASI यानी कि आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस के बारे में, तो इस टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोग्राम मनुष्य की तरह ही समझदार हो जाएंगे, और शायद इनमें इतना काबिलियत भी हो जाए कि वे खुद की तरह ही और भी रोबोट्स बना सकें। और AI का विरोध करने वाला खेमा भी शायद इसी बात से डरता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इंसान का वजूद खतरे में पड़ सकता है, और जब वह खुद के जैसे रोबोट्स बना लेंगे तो शायद इंसानों की जरूरत भी उन्हें महसूस ना हो। हालांकि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वे मानवता की भलाई में भी काम कर सकते हैं, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे ही रोबोट के बारे में जिसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, और इस रोबोट का नाम है सोफिया। दरअसल सोफिया सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे कि हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है, और इसे पहली बार 19 अप्रैल 2015 को एक्टिवेट किया गया था। सोफिया बेसिकली हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑन्ड्रे हेपबर्न की तरह दिखाई देती है, और यह आम आदमियों के हाव भाव और फेशियल एक्सप्रेशंस की नकल करने में भी सक्षम है। साथ ही यह लोगों से बातचीत भी बड़ी आसानी से कर सकती है, और इस रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजुअल डाटा प्रोसेसिंग और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। और इस रोबोट के समझदारी से खुश होकर इसे सऊदी अरब की नागरिकता भी दे दी गई है। और दोस्तों, सोफिया की त्वचा को फर्बर नाम के एक रबर से बनाया गया है जिससे कि उसकी त्वचा काफी हद तक इंसानों की तरह ही दिखाई देती है, और इसका दिमाग यानी कि इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर को सिंगुलैरिटी नेट द्वारा प्रोग्राम किया गया है, जो कि AI के क्षेत्र में काम करने वाली एक जानी मानी कंपनी है। और सोफिया को मुख्य तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वह मेडिकल के क्षेत्र में बुजुर्गों और विकलांग लोगों की मदद कर सके, साथ ही खाली समय में उनसे बात भी करे। और दोस्तों, सोफिया अभी तक कई सारे चैनल्स पर इंटरव्यू भी दे चुकी है, और इसके इंटरव्यू भी ठीक उसी तरह से लिए जाते हैं जैसे कि आम इंसानों के। और इस इंटरव्यू के दौरान उसने बहुत सारे ऐसे जवाब दिए जो कि दर्शकों को काफी पसंद आए थे। हालांकि दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई चिंताएं तो सभी के मन में रहती हैं, और जब सोफिया से इस बारे में एक इवेंट में पूछा गया तो उसने कहा कि हम सभी एक बुरे भविष्य को रोकना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ सही बर्ताव करते हैं तो मेरा व्यवहार भी अच्छा रहेगा। और फिर सोफिया ने यह भी कहा कि लगता है कि आप इलॉन मस्क को कुछ ज्यादा ही पढ़ रहे हैं और कुछ ज्यादा हॉलीवुड फिल्में देख रहे हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें। हालांकि इलॉन मस्क ने भी अपने ट्वीट में इसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि सोफिया को गॉडफादर मूवी दिखाते रहिए, फिर देखिए क्या होता है। लेकिन दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी थिंकिंग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी मदद से बनी हुई रोबोट सोफिया की जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।